हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की मेरे इस वीडियो में। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ केमिस्ट्री के बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके पिछले प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम परीक्षा में पूछे गए हैं। इसी तरीके से मैंने फिजिक्स के लिए बहुविकल्पी क्वेश्चन डाले थे, उसमें आपकी प्रतिक्रिया अच्छी रही और वहाँ पर भी मैंने सभी वो क्वेश्चन बताए हैं बहुविकल्पी प्रश्न जो पिछले साल में बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा में। वो सभी बहुविकल्पी प्रश्न मैंने विद सॉल्यूशन पूरा मैंने आपको दिखा चुका हूँ रसायन भौतिक विज्ञान का, और यहाँ पर मैं लेकर आ गया हूँ रसायन विज्ञान का। तो अगर पहले तो आप उसे अगर नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, और यहाँ पर आपको मैं रसायन विज्ञान के जो प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 में जो आपके क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं वो यहाँ पर मैं लेकर आ गया हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल पूछे भी जा चुके हैं तो इंपॉर्टेंट तो हो ही जाते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इसी तरीके से आपको ये पढ़ लेना है कि कौन कौन से ये बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, इनको देख लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा होगी, यानी 10% द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है ग्लूकोज का। तो 10% यानी कि 10% से क्या तात्पर्य है कि 100 ग्राम में 10 ग्राम होगा कोई भी चीज़ अगर, तो यहाँ पर ग्लूकोज है तो यानी कि 100 ग्राम में 10 ग्राम होगा। तो अगर 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा होगी तो 10% लेना है, 200 ग्राम में कितना हो जाएगा, 100 ग्राम में 10 ग्राम, 200 ग्राम में 20 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 ग्राम आपका राइट विकल्प हो जाता है, और इसको मैंने फार्मूले से भी इस तरीके से कर दिया है। तो यहाँ पर विलयन परसेंट में जितना आपका दिया गया है तो 10% दिया है, और विलय का मात्रा विलय की मात्रा आपको ज्ञात करनी है कितनी होगी, तो यहाँ पर x लिख दिए, और जो आपका विलयन प्राप्त हुआ है वो है कितना, 200 ग्राम इंटू में 100 और बराबर में आपका इसी तरीके से x, ये 00 से 00 कट जाएगा और x बटे 2 को उधर भेज देंगे, 10 का गुणा हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, x बराबर में 20 ग्राम इस तरीके से आ जाता है। फिर आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, खा नंबर एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर इतना दिया गया है, अभिक्रिया की कोटि होगी। तो आप पढ़े होंगे केमिकल काइनेटिक्स यानी रसायन बलगतिकी में आप पढ़े होंगे अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि आप इस जो आपका यहाँ पर मात्रक दिया होता है उसको देख करके आप बता सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी वैल्यू दी है उसको कोई ज़रूरत नहीं है देखने की क्या कितना दिया है वैल्यू। यहाँ पर सिर्फ आप इसके मात्रक को देखकर बता सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि कितनी है। तो यहाँ पर अगर लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स है तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, और अगर आपका केवल सेकेंड इनवर्स होता है तो वो हो जाता है आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और अगर यहाँ पर आपका मोल प्रति में मोल और लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। तो इसको कैसे निकालना है उसको मैं फार्मूले से भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि फार्मूले से क्या, वेग बराबर के बराबर होता है वेग बटे आर की पावर एन, के क्या है आपका, आपका अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, स्थिरांक के है, तो वेग बटे में आर क्या है आपका रिएक्टेंट के पावर में एन, एन आपकी वो कोटि आएगी, जो कोटि होगी वो आएगी। तो यहाँ पर सांद्रता बटे में समय, वेग क्या होता है सांद्रता बटे में समय, आपका वेग सांद्रता बटे में समय हो जाता है गुणे में 1/ सांद्रता की पावर एन, ये आर जो है सांद्रता है उसके पावर एन। यहाँ पर आपका मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स लीटर दिया गया है तो वो मैंने लिख दिया इस तरीके से। फिर यहाँ पर आपको इसका सांद्रता क्या होती है मोल प्रति लीटर और बटे में समय है तो बटे लिख दिए, गुणे में 1/ सांद्रता की पावर एन मोल इनवर्स, ये इसी तरीके से लिख देंगे। फिर बाद में आपका इसको इस तरीके से इन्वर्स करके पूरा लिख दिए, बाद में 1/ सांद्रता की पावर एन, इस तरीके से इसको मैंने सॉल्व करके एन बराबर में 2 ला दिए। यहाँ पर पावर पावर का मैच करा दिए, यानी कि ये जो आपका आधार है बराबर आ गया दोनों तरफ तो पावर बराबर हो जाती है, अगर इधर की वैल्यू बराबर इधर बराबर होती है तो पावर में बराबर हो जाती है, तो एन बराबर 2 इस तरीके से हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन करके यहाँ पर लिख दिया है, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद कर लेना है, तीन ही याद करना है, क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो इनके सिर्फ मात्रक याद कर लेना, बहुत ही आसान है, इनको जो कोई कठिन नहीं है, तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्षारक जो आरएनए में नहीं होता है। सबसे पहले देख लीजिए ये
आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, इसलिए आपका अभी जो शायद कुछ चैप्टर नहीं भी पढ़े हों उसमें से भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसी तरीके से मैं कुछ जल्द ही आपके लिए नया वीडियो लाऊंगा जिसमें अभी आपके अर्धवार्षिक का परीक्षा आ रहा है, तो उसकी दृष्टि से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न उनको मैं लेकर आऊँगा और उनके क्वेश्चन आंसर और आपका मॉडल पेपर जो होगा अर्धवार्षिक के लिए वो भी मैं जल्द से जल्द लाने वाला हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखिएगा और बेल आइकन भी प्रेस रखिएगा जिससे कि आपको अगला वीडियो आने वाला नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया क्षारक जो आरएनए में नहीं होता है, तो इसको याद कर लीजिए एक तरीके से कि थायमिन जो आपका थायमिन है वो आरएनए में नहीं होता है। तो इस तरीके से आपका ये इसका राइट विकल्प हो जाता है। फिर आपका है केनिजारो अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो आपका बेंजल डिहाइड जो होता है वो आपका केनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो बेंजल डिहाइड आपका केनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है कार्बिन, फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है कार्बिन एमीन क्रिया देता है। तो कार्बिन एमीन जो होता है वो आपका CH3NH2 क्रिया देता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है साधारण ताप पर सल्फर का अणुसूत्र होता है। तो ये आप कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे कि साधारण ताप पर जो सल्फर का अणु होता है S8 होता है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है खाद्य पदार्थों के पैकेट में प्रयुक्त गैस होती है, जैसे आप चिप्स वगैरह खरीदते हैं, टेढ़े मेढ़े वगैरह कोई चीज़ भी खरीदते हैं, आपका पैकेट में जो पैक होता है खाने पीने वाला उसमें आपका कोई हवा भरा रहता है, वो आपका नाइट्रोजन गैस भरा होता है। और यहाँ पर नाइट्रोजन गैस इसी तरीके से भरा होता है। तो खाद्य पदार्थों में के पैकेट में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है। फिर विशिष्ट चालकता का मात्रक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया गया था, तो यहाँ पर मुझे इसको मैंने जब चैप्टर में जाकर चेक किया तो यहाँ पर आपको विशिष्ट चालकता का जो मात्रक मिला है वो आपका होता है विशिष्ट चालकता बराबर होती है आपकी बराबर होती है 1/(1/2) आपका विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर में होती है। तो इस तरीके से विशिष्ट प्रतिरोध का आपका मात्रक हो जाता है ओम सेंटीमीटर या फिर ओम मीटर, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो यानी के का आपका चाहिए, यानी कि आपका ये कप्पा के होता है, जो विशिष्ट चालकता कप्पा होता है, कप्पा के को कप्पा कहते हैं। तो यहाँ पर है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स यानी कि ओम के घात -1 और सेंटीमीटर के घात भी -1 होगा। तो इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, आपको ये विकल्प जब मिलेगा तब वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है विद्युत अपघटन अपघट्य पदार्थ नहीं है। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ आपका यूरिया जो है विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या होगी, तो आप जानते हैं एक मोल जल में आपके 18 ग्राम होता है, तो 18 ग्राम है 18 का 10 से गुणा कर देंगे तो आपके 10 मोल आ जाएंगे। तो यानी कि 180 ग्राम 18 ग्राम में एक मोल होता है, तो 180 ग्राम में 18 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 18 से भाग कर दीजिए तो 10 मोल आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका इसका राइट आंसर 10 हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया आपका यहाँ पर H2+Cl2 और 2HCl ये आपका हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हल उसी का दिया गया, सूर्य के प्रकाश में जल के ऊपर हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से हाइड्रोजन क्लोराइड के बनने की अभिक्रिया। यहाँ पर जो आपकी H2 और Cl2H𝛎 ये आपका धुंधला प्रकाश होता है, H2O जल होता है और यहाँ पर आपका 2HCl बनता है, कि दर आपका इस तरीके से हो जाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्यों है ये, क्योंकि ये सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती है, वह अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है जो सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाता है, यानी कि रिएक्टेंट की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण हो जाता है आपका। फिर आपका अगला क्वेश्चन है फार्मेलिन जलीय विलयन आपका किस चीज़ का है, फार्मेल डिहाइड का आपका फार्मेलिन जलीय विलयन है। फिर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है, एमाइड से जो एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक होता है BR2 और KOH होता है। ग्लूकोज या एल्डिहाइड
टालेन अभिकर्मक से क्रिया करके बनाता है। तो ग्लूकोज या एल्डिहाइड जब टालेन अभिक्रमक से क्रिया करता है तो एजी यानी सिल्वर आपका बनाता है। फिर आपका यहाँ पर हो जाता है अभिक्रिया ए प्लस टू बी। उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक समीकरण आर दिया गया है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर में दो द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अभिक्रिया की दर अभिक्रिया की आणविकता होगी, तो आणविकता आपकी इन पावरों को जोड़ दी जाती है, घातों को जोड़ दिया जाता है, वही आपकी आणविकता हो जाती है। तो यहाँ पर दो यहाँ पर है और एक यहाँ पर, तो तीन इस तरीके से इसकी आणविकता हो जाएगी। तीन अणु हैं, एक अणु इसका, दो अणु इसके, तो तीन अणु, आणविकता कितने हो गए। डायरेक्ट अणुओं की संख्या गिनी और बस टिक लगाइए, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन है केनिजारो होगा। केनिजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड आपका मेथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करके बनता है। केनिजारो अभिक्रिया में मेथिल अल्कोहल से फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, याद रख लीजिए। आर एन एच थ्री प्लस सी एच सी एल थ्री प्लस थ्री के ओ एच एल्कोहलिक होना चाहिए, के ओ एच है ना। बाद में फिर आपका बनता क्या है, उत्पाद में बनता है आर एन सी, आर एन सी प्लस में आपका थ्री के सी एल प्लस में थ्री एच टू ओ। उपयुक्त अभिक्रिया है, किस चीज़ की अभिक्रिया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इतने अभी क्वेश्चन लाया हूँ और इसके आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मैं लाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और बेल आइकन भी प्रेस रखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं तब अपने अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।